ओम शांति। आज हमारा योग का विषय बहुत विशेष रहेगा। आज हम योग में मर्जीवा स्थिति का अभ्यास करेंगे। दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं वह तो ईश्वर के पास चला गया, भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन हम शरीर सहित बाबा के पास आ गए, भगवान के प्यारे बन गए। हमें सदा ये स्मृति रखनी चाहिए कि यह हमारा मर्जीवा जन्म है। हमारे जैसा लकी इस संसार में कोई भी नहीं। तो आज हम जीते जी मर्जीवा कैसे बनना होता है इसका अभ्यास करेंगे। कहते हैं आप मोए मर गई दुनिया, अर्थात जब हम ही नहीं रहे तो हमारे लिए इस दुनिया का क्या महत्व। ये कहावत हम संगमयुगी ब्राह्मण बच्चों के लिए है। अब हमें इसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। जीते जी उस न्यारी प्यारी अवस्था में रहना है। भले ही शरीर में है लेकिन इस असार संसार में होते हुए भी सबसे विरक्त न्यारी प्यारी स्थिति में रहना है। इस चित्र में रहते हुए बिल्कुल विचित्र स्थिति का अनुभव हो, अर्थात शरीर में होते हुए भी बाप समान निराकारी अवस्था का अनुभव होता रहे। जो भी संपर्क में आए उन्हें भी ऐसा महसूस हो कि यह इस दुनिया के नहीं हैं, यह तो कोई अल्लाह लोग हैं, कोई फरिश्ते हैं, अवतरित आत्मा है, कोई महान आत्मा है। हमारी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, जो भी हमें देखे उनको ही हमें देखते ही साक्षात्कार होने लगे। तो अपने से पूछें क्या हमारी स्थिति ऐसी है, क्या ऐसी रूहानियत हमारे अंदर आई है। Oh.
देखो, हमारे यादगार जड़ चित्रों में भी आज भी इतना आकर्षण है जो कई दिनों की लंबी पैदल यात्रा तय करके भक्त लोग केवल हमारे जड़ चित्र के दर्शन मात्र से ही खुश हो जाते हैं। हम तो फिर भी चैतन्य मूर्त हैं, तो आज देखना है क्या वह आकर्षण हमारे अंदर आ गई। ईश्वरीय महावाक्य हैं, जब तुम स्वयं को देह से न्यारा और बाप का प्यारा ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करेंगे और सदा इसी स्मृति में रहेंगे, तब आपके द्वारा सभी आत्माओं को ऐसे दिव्य अनुभव होंगे, साक्षात्कार होंगे। अब कुछ पल अपने उस संपूर्ण स्वरूप का चित्र सामने लाएं जांच करें। क्या ऐसी दिव्यता हमारे अंदर आ गई? पूछे स्वयं से, बाबा हमको जैसा बनाना चाहते हैं, क्या हम ऐसा बने हैं? अपने मन रूपी दर्पण में अच्छी तरह से निहार कर देखें। आज गहराई में जाकर चेक करें, कहीं कोई कमी रह तो नहीं गई? अगर कोई कमी नजर आती है तो आज बाबा की याद से उसकी भरपाई कर लेनी है। आओ कुछ पल बाबा की याद की लगन में मगन होकर जो भी अंदर कमियां हैं उनको भस्म कर दें। अशरीरी अवस्था बनाने में हमारे सामने जो विघ्न आते हैं, आज उनसे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं।
अनेक बंधनों की जो सूक्ष्म रस्सियां हैं, बार बार जो अपनी तरफ खींचती हैं। आज याद की अग्नि में उन रस्सियों को जला दें। एकदम मर्जीवा स्थिति, ना कोई मेरा और ना मैं किसी का, मेरा तो एक शिव बाबा बस। बहुत प्यार से और दिल से कहें, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे सब कुछ आप हो। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो बाबा। करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी, तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती, छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम देंगे दुनिया जान न पाई,
साथ में छोड़ेंगे, तेरा साथ में छोड़ेंगे। एक कहावत है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहन के सह। वास्तव में ये सब दोहे कहावतें हमारे ही यादगार में बने हुए हैं, क्योंकि हमारी जो चाहना थी जन्म जन्म से, वह चाहना पूरी हो गई। भगवान से मिलने की हमारी शुभ इच्छा पूरी हो गई। जन्म जन्म से जिनको हम ढूंढ रहे थे वह हमें मिल गया। और भगवान का बनकर हमारी सारी चिंताएं मिट गई। बाबा ने हमें बेपरवाह बादशाह बना दिया। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे दिल से सदा यही निकलता है, पाना था सो पा लिया, और पाने को बाकी क्या रहा। यह गायन हम ब्राह्मण आत्माओं का ही है, देवताओं का नहीं। अभी ना हमें कोई चाह है ना कोई चिंता, हम ही सच्चे सच्चे बेपरवाह बादशाह हैं। पूरे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ जन्म, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य और इतनी प्राप्तियां कभी नहीं हो सकती। यह ईश्वरीय गोद अभी इस एक जन्म में ही मिलती है, तो आओ इसका पूरा आनंद लें। खोए रहे सदा बाबा के प्यार में, उनकी याद रूपी गोदी में समाए रहे। ध्यान रहे इस जीवन का संपूर्ण आनंद उनको ही मिलेगा जो सदा अपने मर्जीवा जीवन की स्मृति में रहेंगे, जिन्हें याद रहता है कि मैं आत्मा इस शरीर में मेहमान हूं। ईश्वरीय सेवा के लिए मेरा यह मर्जीवा जन्म हुआ है,
और इस रूहानी सेवा के लिए ही मुझे यह शरीर मिला है। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर की अमानत है, सब कुछ बाबा का, और मैं बाबा के दिल पर राज करने वाली दिल तक नशीन आत्मा। इस स्मृति में रहने वाले सदा अनासक्त रहेंगे, उन्हें इस दुनिया की कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। वह तो सदा एकांत में रहे, एक ही याद में खोए रहेंगे। अभी एक सेकंड में ऐसा अभ्यास करके देखें, समा जाएं बाबा की याद में, उस एक के अंत में खो जाएं। आपने बाबा हमें इतनी हंसी तकदीर दी, आपने बाबा हमें कितनी हंसी तकदीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तकबीर दी, आपने बाबा आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए, आपकी नजरों से बाबा प्यार का अमृत पिए। से मरना आपके दिल में जिए, हम से गाफिल है फिकर की तोड़ हर जंजीर दी, हम से गाफिल है फिकर की तोड़ हर जंजीर दी। जिंदगी जीने हमको एक नई तदबीर दी आपने।
जाने बाबा क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया क्या निराली शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा अभी इस संगम युग पर हमें जीते जी शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करना है क्योंकि हमारा अंतिम पुरुषार्थ यही है। जब जीते जी इस अवस्था का अनुभव होगा तभी अंतिम समय बहुत सुखमय होगा। जैसे मक्खन से कोई बाल निकाल दिया जाता है इतना सहज ही हम इस देह से न्यारे हो जाएंगे और बाबा के साथ अपने घर परमधाम चले जाएंगे। दिन भर कर्म करते हुए यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, आत्मा ही इस शरीर से कर्म करवा रही है, मैं आत्मा इस विनाशी देह का रथी हूं। अभी कुछ पल यह अभ्यास करें कि यह शरीर जैसे है ही नहीं,
देह को भूलते जाएं। फील करें, मैं मस्तक के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा इस देह से, देह के बंधनों से और देह की दुनिया से स्वतंत्र हूं। बिल्कुल निर्बंधन आत्मा, एकदम हल्के हो जाएं। हल्के होकर उड़ जाए इस देह और देह की दुनिया से ऊपर, अपने वतन की ओर, बाप दादा के पास। और सूक्ष्म वतन के नजारों का आनंद लें। बाबा से रूरिहान करें। बाबा से जो भी शक्तियां या वरदान चाहिए वो ले लें। और भरपूर होकर वापस फिर से इस भौतिक दुनिया में, पांच तत्वों के शरीर में प्रवेश कर जाएं। यह अभ्यास हमें बार बार पक्का करना है, जो पिछाड़ी में सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आए। बस यही बुद्धि में रहे, हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, वह हमें लेने आए हैं और अब मुझे उनके साथ जाना है। इस अभ्यास से देह का भान टूटता जाएगा,
सारा दिन स्मृति रहे। मैं आत्मा इस अंतिम जन्म के विनाशी शरीर द्वारा पार्ट बजा रही हूं। मैं आत्मा अविनाशी हूं और यह देह विनाशी है। कुछ ही समय बाद यह शरीर मुझ आत्मा से अलग हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जो चीज नष्ट होने वाली है, खत्म हो जाने वाली है, भला उसमें क्या मोह रखना। तो सारी दुनिया से अनासक्त हो जाएं, सभी बंधनों से मुक्त, बिल्कुल निर्मोही बन जाएं। एक बाप दूसरा ना कोई, यही अभ्यास पक्का करते जाएं। जगी ही रहे, आरजू है
ओम शांति। आगे भी योग को जारी रखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।